धन्यवाद. And now, ladies and gentlemen, inka naam bhari, inka kaam bhari. Give it up for this rock star, the most amazing kaam bhari. Dekhe inke jalwe. DJ nahi bolne ka. Remember, never ever. DJ nahi bajate hain. Welcome, thank you so much for being here. And now, ladies and gentlemen, the very talented, the very gorgeous Nisha Dhar ke liye zordar taaliyan. Of course, humne dekha, wo keh rahi hai heroine banne ka and all that, bada post shows maar rahe hain wahan pe. Jante hain abhi inse bhi. Welcome, thank you so much for being here. And congratulations, first of all, aap charon ko, jo ye kiya hai aapne yahan pe. Ab main bulana chahunga stage pe unko, जिनके लिए कह सकते हैं कप्तान नहीं है ये, कप्तान से भी बढ़ के हैं, द वन द ओनली डायरेक्टर साहब प्रतीक मोइत्रो साहब. जोरदार तालियां बनती है फॉर दिस एफर्टलेस थिंग. मैं कहूंगा सर एफर्ट बहुत गया होगा लेकिन बड़ा एफर्टलेस सा दिख रहा है स्क्रीन पे ये सब. एंड ऑफ कोर्स डायलॉग्स की बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स वी आल्सो शेयर्ड दैट डायलॉग हियर. द राइटर ऑफ द मूवी लेडीज एंड जेंटलमैन चारुलता मैत्रा के लिए जोरदार तालियां. You know, keeping up with the jo abhi chal raha hai, and of course keeping it very organic. I think that's the highlight of all this that we just saw on the big screen. No, she's not the dialogue writer. She's the complete writer. She is the screenplay writer. Writer, मैं बोल, मैं तो अच्छी बात बोल. मैं तो तारीफ ही कर रहा था. मैं तो पूरा दे दिया था, पूरा मैंने पैकेज दे दिया था मैम आपका, ये सब हॉलीडे पैकेज जैसा. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन दिस -31 द नागपुर फाइनल. सर आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट द आउट ऑफ नोवेयर प्रतीक और मेरी बात हुई. मैंने प्रतीक के एक दोस्त के साथ पहले काम किया था काफी सालों पहले. उसके एम आई ऑडिबल, उस फिल्म के लिए दादा साहब फाल्के बेस्ट एक्ट्रेस मुझे मिला था. इट वॉज अ पंजाबी दिस थिंग. उन्होंने मेरा नाम इन्हें सजेस्ट किया. इन्होंने हमारी बात हुई, ही सेड यार कैन आई टॉक अबाउट दिस वगैरह. ही केम होम एंड ही नरेटेड. आई सेड यार दिस इज अ कॉप आई हैव नॉट सीन. इट्स अ वेरी अनअज्यूमिंग कॉप. यू नो यूजुअली कॉप मतलब ऐसा डेड एविल वाला, ये बहुत ह्यूमन है. तो बस वी जस्ट गॉट ऑन. We're like, let's do this. And the rest is history. We're gonna watch it on the big screen. Edge of the seat thrillers जो होती है ना उनका मजा ऐसे बड़े पर्दे पे ही आता है, जो कि यहाँ पे भी आएगा. मजा और आएगा जब उनकी एंट्री होगी. सर जैसा मैंने कहा, हम सबके लिए बड़े बड़े गर्व की बात है. और मैं शुद्ध हिंदी में बोलूं तो बांछे खिली हुई हैं यहाँ सबकी, बिकॉज आप यहाँ स्टेज पे हैं हमारे खिली हुई है ना. थैंक यू सो मच. सो मुझे बताइए सर, ऑफकोर्स आपके लिए भी कहा जाता है हर चीज में नहीं दिखाई देते हैं, जो खास होता है वहाँ उसे और खास बनाते हैं. क्या बोलेंगे इस जर्नी के बारे में? बड़ी मजेदार थी और बड़ी मुश्किल भी थी मेरे पास था, क्योंकि थिएटर की आदत पड़ी है, वैसे ही बोलते तो वहाँ तक आवाज़ जाती है. तो बड़ी मज़ेदार थी, मुश्किल थी तो थिएटर की वजह से. और प्रतीक ने बताया कि ये कहानी है और ये है, और उसमें सबसे ज़्यादा ये मोहतरमा जो मेरी बिटिया बनी हुई है खूंखार, इनसे मारपीट होती है, ये मारती पीटती है, बाप को मारती पीटती है, सुन के मुझे बड़ा मजा आया. आपने इस बारे में बात करनी है, पहली दफा कोई बेटी अपने बाप को पीटते हुए नजर आएगी. ये हर टेक के बाद मैंने उन्हें सॉरी बोला और गले लगाए कि सॉरी सॉरी पापा, लगा क्या लगा क्या, और फिर यूं करके मुस्कुराती थी कि देखा ऐसे लेकिन बहुत मजेदार था सारा कुछ. और मैं वो सीन तो भूल नहीं सकता जो हमारा मारपीट वाला था. तो अब ये जितनी चोटें लगी हैं उसका ही नतीजा है कि हम यहाँ पर आकर खड़े हुए हैं. क्योंकि बगैर चोट के कुछ नहीं होता, कुछ टूटता नहीं है तो बनता ही नहीं है. और मैं रैप करता हूँ, मैं सॉन्ग राइटर लिरिसिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ. और एक्ट वैसे मैं मेरे म्यूजिक वीडियोज में करता ही था ऐसा, बट वो म्यूजिकली एक्ट रहता था हमेशा. बट इस टाइम मुझे मतलब ऐसा डायलॉग टाइप एक्ट करने मिला और मजा आया. और हाँ, ये तो सच में सबको मार रहे हैं फिल्म में. मेरे को भी मार खाना पड़ रहा है इनसे. इनके टीम ने मेरे को मारा है. ये बड़े सारे राज ऐसे खुलते रहेंगे यहाँ पे, है ना. इनको भी पिटाई इनकी भी हुई है. निशा भी बचा लो, बैड बहुत कर. हाँ, बस ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ अभी कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा हम, क्योंकि ओह ये नहीं जानना था. निशा और मैंने बहुत झोल किए फिल्म. ओके, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट झोल्स, द झोल्स दैट यू हैव डन. सो बेसिकली मैं एक रैपर का रोल निभा रही थी और मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था. सो ही रियली हेल्प मी आउट एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट रोल फॉर मी ऑल्सो टू डू, विच आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट, थैंक्स टू प्रतीक. सो या वी हैड लॉट ऑफ फन, इट वॉज क्रेजी. आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ देयर वर्ल्ड
and I tried to show it on screen also. So I hope you like it. Thank we loved it. Whatever we've seen on that big screen, hame bada acha laga aur maza aa raha hai ki kuch alag hone wala hai. Pratik, the credit goes to you and of course the crew of the movie. जो बिहाइंड द सीन्स की अगर मैं बात करूं, बिकॉज जैसा मैंने कहा इट्स वेरी एफर्टलेस, कुछ वहां दिख नहीं रहा और कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा है कि बात कर रहे हो यार पॉजिटिव बिल्कुल प्लीज प्लीज बताइए इसके बारे में. इट्स वेरी ऑर्गेनिक, यू नो, लग रहा है कि हाँ ये हुआ है किसी के संग. कुछ वो एक्टिंग शैक्टिंग नहीं दिख रही है, वो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं. क्या बोलेंगे? आई थिंक ये कहानी मेरे को बहुत बॉदर कर रही थी कोविड टाइम से. तो वो टाइम पे एक्चुअली मनोज प्रोफेसर मनोज कुमार झा का एक जो एमपी है उनका मैं एक लेक्चर सुन के मुझे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गया. उन्होंने वही कहा था कि जो कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने हेल्प नहीं किया है तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबके, मतलब कि हम लोग फेयर नहीं थे ह्यूमैनिटी के सेंस में. उन्होंने एक्चुअली ये जब पहली बार हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा मैं हर सीन जब भी मैं नरेट कर रहा था तो आई जस्ट गिव अ सॉन्ग या लाइक ऑलमोस्ट जस्ट टू इमेजिन फॉर द फील ऑफ इट एंड हाउ लाइक द बीट एंड रिदम. या प्रतीक, ओवर टू योर लेफ्ट. प्रतीक, आपने टाइटल के बारे में तो थोड़ा ब्रीफ किया है जैसे -31 द नागपुर डायरीज, बट शूटिंग इन नागपुर इट्स ऑलवेज अबाव 40, यू नो, माइनस वाला कुछ ऐसा हिसाब होता ही नहीं है अगर मैं जानू तो. नाग हाउ टफ इट वॉज शूटिंग इन नागपुर बेसिकली? इट वॉज नॉट एक्चुअली टफ इन द सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस और लाइक टाइम. वी वर बेसिकली टाइम बाउंडेड बिकॉज हमारी स्क्रिप्ट 120 पेज की थी और हमारे पास थे जो बजट था वो सिर्फ 30 दिन का था. तो हमारे लिए बाकी चीज़ें अवेलेबिलिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना कि इसको इतने कम टाइम में शूट करना, क्योंकि एक्चुअली 120 पेज की स्क्रिप्ट बेसिकली 60 दिन तो लगते ही शूट करने, जो हमने 30 दिन में कर लिया है मतलब. तो हाँ, रघुवीर जी बताइए कि कितना गरम गरम किया, कितना बावन बावन किया. क्या है कि जब भी मैं कोई रोल करता हूँ किसी नए कैरेक्टर को, किरदार को, तो हमेशा एक बार मुड़ के देख लेता हूँ पीछे कि कोई इससे ताल्लुक है. मैंने मुड़ के देखा तो मुझे इसकी जगह मुझे अपनी माँ याद आ गई. बाकी सच कर, वो इसी तरह मारती थी, इसी तरह डांटती थी, कब डांटती थी, और वो अगर हम गिर पड़ते थे तो चोट लगती थी तो माँ सबसे पहले थप्पड़ मारती थी, क्योंकि वो सारी तकलीफ अपने ऊपर ले लेती. ये अक्सर मध्य प्रदेश में है, मैंने देखा माँ इसी तरह करती है. अगर बच्चा ऊपर से गिर गया तो पहले उसको थप्पड़ मारी फिर गले लगाती, पहले उसको और मार देती और चाटा मार देती जड़ देती है कि अभी चोट लगी अभी एक और ले, तो वहां से वो शिफ्ट हो जाता, फिर हम उस वक्त चुप हो जाते थे. तो बस यही मुझे अपनी माँ याद आ गई कि भैया ये तो बिल्कुल वैसे ही है, ये मारना पीटना डांटना उसी तरह सब चल रहा था. उतना ज्यादा जब कोई काम करता हूँ तब उसके लिए मैं शायद इस्तेमाल वो भी करवाया जाता हूँ. ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि हाल ही में कार्तिक आर्यन और कायरा अडवाणी ने अपने ट्विटर के थ्रू यहाँ के दो बंदों को बचाया है, मिलाया अपने परिवार से जो हिमाचल में बाढ़ हुआ है, तो कितना अच्छा पहल है और अच्छा अभिनय के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी उठाना कितना जरूरी होता है कलाकार को. तो हुजूर सही है, सामाजिक जिम्मेदारी उठा रहा हूँ मैं, जो काम कर रहा हूँ वही है कि मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा कि जो मुझे खुद को अच्छा ना लगे. अगर मुझे करते हुए खुद को अच्छा नहीं लगे तो मेरी ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगे. तो मैं उनका ख्याल करके मैं आपको एक किस्सा बता दूं. एक मैंने बड़ी खराब फिल्म की, बहुत खराब फिल्म थी, वो रिलीज हो गई कम वक्त फिल्म. तो जब रिलीज हुई तो उसके बाद एक कोई फंक्शन में मुझे बुलाया गया तो मैं वहाँ गया और उसके बाद वो जो ले गए थे मुझे और ऑर्गेनाइजर जो थे वो ले गए और फिर स्टेज पे कुछ भाषणबाजी हुई और उतर के आने लगा तो एक महिला सामने आ गई मेरे. जब मैं जा रहा था वापस तो कहने सुनिए जरा इधर आई. तो मैंने कहा क्या? तो बोली सुनिए मुझे बात करनी है. तो वो जो मेरे साथ थे वो मना करने लगे, नहीं नहीं मैं जाए. बोले नहीं सुनिए मुझे जरा बात करनी है, आपको किसी को तकलीफ पहुँचा दी अच्छा लगता है? तो मैंने कहा भैया पता नहीं मैंने क्या तकलीफ दे दी, मैं तो अभी सब बोल के इससे पहले मैं तो कभी जानते ही नहीं. बोली हाँ आइए जरा. तो वो मना करे लेकिन मैं चल गया. मैंने बताइए तो कहने लगी कि वो फिल्म क्यों किया आपने? मैंने कहा वो इसलिए कि मैं अभी नया नया बम्बई आया हूँ और मुझे
जाहिर है घर चलाना होता है, ये है सब बहुत सारी, तो कहने लगी आप भूखे मर जाइए लेकिन इस तरह की फिल्म मत करिए। वो भी हिप हॉप का एलिमेंट है, तो हिप हॉप इज आर्ट, हिप हॉप इज बीइंग योरसेल्फ, हिप हॉप इज मतलब वो कोई भी तुम कुछ भी कुछ नई चीजें, हिप हॉप इज अबाउट हसल, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हम जो मेहनत करते हैं और वो हिप हॉप है, और यस तो ये मतलब मैं ऐसे एक्सप्रेस करता हूँ हिप हॉप, हर कैरेक्टर प्ले करने का प्ले कोशिश करता हूँ। तो मेरा एक कुछ गाना है विचार, तो उसमें मैं थोड़ा मेंटल हेल्थ के अराउंड लिखा हूँ, तो वो थोड़ा कैरेक्टर वैसा है, या मिटर डाउन है उसमें थोड़ा गैंगस्टर प्ले कर रहा हूँ, मोहब्बत में थोड़ा एक साइको आशिक प्ले कर रहा हूँ मैं, तो मैं बिलीव करता है अलग अलग कैरेक्टर्स में। पर मिटर डाउन भाई तुम बोले तो मैं मिटर डाउन का, तो मिटर डाउन में मैंने कुछ ऐसा लिखा है, तेरे में बैंगन भरता बनाओ बैंगन का भरता, हर गाना बनता बैंगर एकदम भयंकर, बचता करता मिटर डाउन अभी किधर बता तेरा गाँव। इट्स हाँ ये थोड़ा मतलब गैंगस्टर टाइप, मतलब चूल्हे पे चढ़ाए चाची चिमटे से चिंगारियों में चपाती चला रही थी, चाचा ने चाची की चिलम जलाने की चिंगारी मारी, चिंगारी चिपका दी, चाचा चिल्ला पड़े चाची 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 चाचा चौधरी।